प्रदेश में रेप की घटनाएं आए दिन बढ़ रही हैं, इनको लेके सरकार अब आगे क्या कदम उठा रही है और इन्हें रोकने के लिए क्या उपाय किए सरकार जाना की एक चाहिए? सीमा है, सरकार कानून बना सकती है, सख्त कानून बना सकती है। हम लोगों ने बलात्कार की जो घटनाएं हैं उन्हें रोकने के लिए 12 वर्ष से कम आयु की जो भी बच्चियों के साथ में रेप होता है तो रेपिस्ट जो है, जो बलात्कार करने वाला है, उसके लिए हम लोगों ने फांसी की सजा का प्रावधान किया है। मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में एक व्यक्ति के लिए सेशन कोर्ट ने, विशेष कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है, कमरिया का एक व्यक्ति है। प्रदेश के अन्य जिलों में भी इस प्रकार की न्यायिक व्यवस्था आ रही है, ऑर्डर आ रहे हैं अदालत के, जिसमें फांसी की सजा है। अब फांसी की सजा के आगे तो कोई सजा होती नहीं। इस सब के बावजूद ये सब हो रहा है तो मुझे लगता है कि लोगों में जागरूकता पैदा करना चाहिए। जब तक लोगों में संवेदनशीलता नहीं हुई, गार्जियंस जो है खासतौर से पालक है, उन्हें भी अपने बच्चों पर नज़र रखना चाहिए, लड़कों पर भी नज़र रखना चाहिए और बेटियों पर भी नज़र रखना चाहिए, कहाँ जा रही कहाँ नहीं। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मोबाइल से दूर रखना चाहिए। मोबाइल जो है हिंदुस्तान में बर्बादी का सबसे बड़ा शस्त्र बन गया, चारित्रिक बर्बादी का। और मैं मान के चलता हूँ कि मोबाइल बच्चों से जितना दूर रहे बच्चों का उतना ही भला होगा। तो आप मानते हैं कि ये मोबाइल से घटनाएं होती? मेरा बस चले तो मैं मोबाइल खत्म करता।